आप सभी को अमित गौतम का एक बार फिर से नमस्कार। और एक बहुत बड़ी खबर आ रही है डीएलएड परीक्षा को लेकर, और ये खबर वास्तव में खुशखबरी है आपके लिए कि अधिकांश प्रश्न पत्र जो हैं, अधिकांश जो प्रश्न है वो पिछले वर्ष हुई परीक्षा के प्रश्नों की प्रतिपूर्ति हैं। मतलब प्रश्न उन्हीं प्रश्नों के इर्द गिर्द हैं। 2018 में जो डीएलएड की परीक्षा हुई थी तो प्रत्येक विषय का जो अभी जो दो पेपर हुआ है उसका मैंने एनालिटिक्स किया है पिछले वर्ष के और इस वर्ष के प्रश्न पत्र के आधार पर, तो अधिकांश जो प्रश्न है वो उन्हीं प्रश्नों पर आधारित हैं। मतलब उन्हीं प्रश्न के दाएं या बाएं से प्रश्न को पूछा गया है, मूल भावना भी रखा गया है, बस थोड़े से साइड चेंज कर दिए गए हैं। गाइड मटेरियल से कोई लाभ नहीं है। अगली आपके लिए खबर है कि गाइड और मटेरियल से कोई लाभ नहीं है। गाइड और मटेरियल पढ़ना अब समय की बर्बादी ही होगी। मेरे बताए गए पॉइंट से सीधे प्रश्न आए हैं, इतना निश्चित मैं कह रहा हूँ, इसलिए कि इसका प्रमाण है मेरा पिछला वीडियो आप जाकर देखेंगे और प्रश्न पत्र मिलाएंगे तो आपको सीधे सीधे पॉइंट्स मैंने जो बताए थे पांच पांच, उनसे सीधे सीधे प्रश्न आ गए हैं एकदम। तो बिल्कुल चिंता ना करें, सारे पेपर अच्छे जाएंगे, आपके सारे पेपर अच्छे जाने वाले हैं एकदम। बस इतना सोच रखिए कि आपको उत्तर जो है वो खुद की सोच समझ और अनुभव से ही लिखने पड़ेंगे। आप किसी अन्य सोर्स से चाहेंगे कि उसको हम लिख पाएँ तो वो नहीं मैच कर पाएगा, आपको अपने अनुभव से ही उत्तर बनाने पड़ेंगे। और चलिए तो फिर से मैं S3 और S4 के कुछ पॉइंट्स आपको बताने जा रहा हूँ लगे हाथ। इसमें S3 जो है विद्यालय की समझ व कक्षा प्रबंधन है। एक बात आप लोग ध्यान में रखिए कि 3 घंटे आपको जो एक पेपर करने हैं तो 3 घंटे में आपके दिमाग से ही मतलब उत्तर निकालने हैं। दिमाग में इतनी कैपेसिटी अगर है आपके कि आप उत्तर निकाल पाते हैं 3 घंटे तक लगातार अपने दिमाग को फ्रेश रख पाते हैं तो आप बिल्कुल निश्चित रूप से सारे प्रश्न लिखेंगे। एक मेरे अभी मित्र ने मैसेज भेजा था मुझे कि हमने अपने मन से ही उत्तर लिख दिया है, सीधे सीधे उत्तर नहीं लिख पाए हैं, मतलब परफेक्टली उत्तर नहीं लिख पाए हैं, क्या होगा। मैंने कहा कुछ नहीं होगा, नंबर मिलेंगे, और वास्तव में नंबर मिलेंगे क्योंकि हम लोगों भी ऐसे ही लिखे थे। प्रश्न कहीं से हमने बिल्कुल ही फैक्ट नहीं लिख पाए थे क्योंकि गाइड से प्रश्न थे नहीं कि हम लोग जो पढ़े थे उसको लिख पाएँ। अपने अनुभव पर ही लिखना है, आपका अनुभव पूछ रहा है, और हर एक प्रश्न पत्र में कहा गया है, इसमें भी कहा गया है कि अपने शब्दों में लिखें। तो आप अपने शब्दों में लिख रहे हैं वो बेस्ट है। उसी के आधार पर हम लोगों ने 70 से 75-80% तक नंबर पाया है, और आप भी अगर अपने मन से लिख रहे हैं तो सबसे उत्तम लिख रहे हैं और सबसे बढ़िया लिख रहे हैं। अतः इस दुविधा में ना पड़ें, आप जो लिख रहे हैं वो बढ़िया लिख रहे हैं, बस एकदम मुस्कुराते हुए रहिए। तो S3 की बात हम शुरू करते हैं, विद्यालय की समझ व कक्षा प्रबंधन। बहुत ही आसान है ये, इसके लिए कुछ खास पढ़ना नहीं है, बस समय सारणी का निर्माण आप पढ़ लीजिए। पहला पॉइंट है मेरा कि समय सारणी का निर्माण कैसे किया जाएगा। उसमें पूछेगा क्वेश्चन कि इस चीज़ के लिए, विज्ञान विषय के लिए या इन बच्चों के लिए समय सारणी का निर्माण आप कैसे करेंगे। विद्यालय में उपलब्ध विभिन्न संसाधनों की जानकारी आपसे पूछ सकता है कि विद्यालय में कौन कौन से संसाधन हैं जो काम आते हैं आपके पढ़ाते समय, जैसे भवन हो गए, अन्य बहुत सारे संसाधन, उनकी क्या भूमिका है ये भी पूछ सकता है। तो विद्यालय में जितना भी चीज़ आपको दिखाई देता है वो संसाधन ही है, और हम दिन रात उसे देखते हैं, उसकी भूमिका भी देखते हैं, अतः इसके लिए कहीं से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, आप खुद से लिख सकते हैं। सर्व शिक्षा अभियान या समग्र शिक्षा अभियान की जरूरत क्यों है, इससे प्रश्न आ सकता है। शिक्षक में अनिवार्य गुण और उसका वृत्तिक विकास, प्रोफेशनल डेवलपमेंट। शिक्षक में क्या गुण होना चाहिए, एक शिक्षक के तौर पर कैसे क्या होना चाहिए, एक शिक्षक को कैसे होना चाहिए, और उसका वृत्तिक विकास क्यों जरूरी है, वृत्तिक विकास के लिए क्या क्या किया जा सकता है, आप अपने में अपने वृत्ति के विकास के लिए क्या क्या करेंगे, इससे प्रश्न रहेंगे। उसके अलावा पांचवा पॉइंट और अंतिम पॉइंट है कि शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम, जो विभिन्न ट्रेनिंग्स हम लोग लेते हैं, 30 दिवसीय, 5 दिवसीय, आवासीय, गैर आवासीय, और संकुल स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, राष्ट्र स्तर पर, तो शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बारे में पूछ सकता है कि आपने कौन सा लिया है या कौन कौन से होते हैं, दो नाम बताइए। और प्रशिक्षण संस्थानों के बारे में जरूर पूछेगा। प्रशिक्षण संस्थान में आपके सबसे पहले तो वो SCERT NCERT के बारे में पूछ सकता है कि इनके क्या कार्य हैं, और उसके बाद डायट और NCT के कार्य भी पूछ सकता है, डाइट की क्या भूमिका है, CRC BRC ETC। तो शिक्षक
प्रशिक्षण संस्थानों के बारे में जरूर पूछेगा। और हम लोग चूंकि डाइट से पढ़े हुए हैं तो कोई मुश्किल नहीं है हम लोग को इन चीज़ों को लिखने में, हमने विभिन्न प्रशिक्षण भी लिया हुआ है। तो विद्यालय की समझ व कक्षा प्रबंधन जो है S3, एक इसमें कक्षा प्रबंधन है, कक्षा का प्रबंधन, क्लास मैनेजमेंट, और हम लोग को पढ़ाते हुए 4-5 साल हो गए हैं तो आसानी से हम लोग इसको लिख सकते हैं। ये पेपर बहुत ही आसान जाएगा, आप बिल्कुल लिख कर आएंगे। अगला है S4, शिक्षा का साहित्य। है बहुत आसान क्योंकि कहानी है, लेकिन दिक्कत यह है कि हम लोगों ने कहानी को, इसमें बहुत सारी कहानियाँ, हम लोगों ने कहानी को पढ़ा नहीं है। तो कहानी का जो मूल बिंदु है, वो मूल भावना है, कहीं से आप जरूर पढ़ लीजिए। उसमें 4-5 कहानियाँ हैं मुख्य रूप से, मैं आपको बता दे रहा हूँ। उसको यूट्यूब और अन्य माध्यमों से गूगल पे सर्च करके उस कहानी का मूल भावना जरूर पढ़ लीजिए। मूल भावना जानेंगे तो उस कहानी से कोई भी प्रश्न आएगा तो आप उसको लिख लेंगे। शिक्षा का साहित्य, साहित्य ही है, साहित्य में गद्य पद्य कहानियाँ हैं, लेकिन इसमें सिर्फ कहानी है। पहला प्रश्न आ सकता है आपका, पहला पॉइंट मेरा है, इससे संबंधित प्रश्न जरूर आएंगे कि शिक्षा में साहित्य की भूमिका, शिक्षा में साहित्य की क्या भूमिका है, इससे प्रश्न आएगा। उसके बाद एक उपन्यास है आपका, बंटी, मनु भंडारी का, बहुत ही बेहतरीन उपन्यास है। आप अभी तो पढ़ नहीं सकते हैं, लेकिन उसका उसकी मूल भावना जरूर यूट्यूब पे देख लें, कहानियों के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, या सर्च करेंगे कि आपका बंटी का मूल भावना क्या है, या संक्षेप में कहानी अगर आप सर्च करते हैं, यहाँ पे गाइड में भी दिया हुआ है संक्षेप में, तो संक्षेप में कहीं मिल जाए उसको संक्षेप में पढ़ लीजिए। एक है बस की सैर, वल्ली अम्माई वाली, वो उससे प्रश्न पिछले परीक्षा में भी आए हैं, इस परीक्षा में भी आएंगे। उसका नाम बड़े भाई साहब, एक प्रेमचंद की लिखित बहुत उत्कृष्ट रचना है। उसका ऑडियो मिल जाएगा आपको नेट पे, आप सर्च करके सुनिएगा, बहुत ही आनंद आएगा आपको। उसके बाद नचिकेता से प्रश्न रहेगा, नचिकेता और यम संवाद का पिछले साल पूछ चुका है, इस बार उनके पिता से संबंधित प्रश्न आ सकते हैं। नचिकेता और उनके पिता के बीच के संवादों पर प्रश्न पूछेगा। और पांचवा पॉइंट है मेरा कि बच्चों की समझ पर आधारित प्रश्न रहेंगे, कि बच्चे कैसे सीखते हैं, समझते हैं, साहित्य के माध्यम से कैसे उन्हें किस भावना का और किस किन किन गुणों का विकास किया जा सकता है, इससे प्रश्न रहेगा। तो आप इन पॉइंट्स को ध्यान में रखिए, कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत कुछ पढ़ लीजिए, निश्चित रूप से अगला पेपर अच्छा जाएगा। और मैं फिर S5 और S6 और इसी तरह सारे पेपर के मैं वीडियो बनाऊंगा, एनालिटिक्स करूंगा। और आपको कोई मुझसे बात करनी हो, कुछ और मैसेज देना हो, कुछ सलाह सुझाव देना हो, तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, 70 33 15 15 99। धन्यवाद।